डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अलोंग विथ फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन देखेंगे, और वह भी जो है लीनियर इक्वेशन के लिए। जैसा कि अभी आप ये देख रहे होंगे हमारे सामने कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के चार फॉर्मेट हो सकते हैं, सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं। वेरिएबल में भी सेपरेबल, जो हमने लेक्चर नंबर 202 में बताया था। होमोजेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ठीक ना। और होमोजेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में हमने दो तीन न्यूमेरिकल करके भी बताए थे, जैसे ये होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्मेट है। और उसके साथ ही कुछ हमने वो भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि इक्वेशन हमारा होमोजेनियस तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रयास करने के बाद वह होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये दूसरा मेथड था। आज हम लोग देखेंगे ये तीसरा मेथड, दैट इज द लीनियर इक्वेशन, एंड इट विल बी आवर लेक्चर नंबर 204। तो आइए इस 204 में लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये रेस्पेक्टिवली थोड़ा सा आसान है, जो अभी तक हम लोग वेरिएबल सेपरेबल और वो देख चुके हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन में भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि बात करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होता है, ठीक है। और जब लीनियर होगा तो उसके अंदर लेबनिज इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन का जन्म होता है, जिसको कि हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कोई इक्वेशन है हमारे पास, देखने में ऐसा लग रहा है कि लीनियर नहीं है, बट थोड़ी बहुत यदि कोशिश करें तो क्या होगा, लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कई बार कोई बात मेरा नहीं मान रहा है, लेकिन अपन कोशिश तो करते हैं, कोशिश ही तो अपने हाथ में है, और क्या है, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वी कैन एटलीस्ट ट्राई, वंस वी स्टार्ट टू मेक ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। आइए इन सब कॉन्सेप्ट के साथ दो चार न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर तब कहते हैं जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोफिशियंट फर्स्ट डिग्री हो, और जो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड। दैट मीन्स जो है लेबनिज लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, उसका इक्वेशन होता है dy by dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक ना, इक्वल टू q, जहां पर कि p और q क्या है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक ना। लीनियर इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, देखिए लिख देते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल If the dependent variable and its differential coefficient are not multiplied occur only in the first degree, that means कि यदि first degree नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, second degree मतलब quadratic equation, ठीक ना। तो degree and not multiply, इसी पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, not multiplied together का मतलब क्या है, जैसे ही मल्टीप्लाइड होगा, x और y अलग अलग है तो ठीक है, x y जैसे ही मल्टीप्लाइड हो गया तो क्या हो गया, वो तो सेकेंड डिग्री हो गया, या x स्क्वायर हो गया तो सेकेंड डिग्री हो गया,
ठीक ना। अब यदि इस तरह का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन क्या है आपको दिया हुआ है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे जरा सा ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कई सारे तरीके हैं, क्या हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो सबसे जो पॉपुलर तरीका है उसी को लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, e टू द पावर p dx को, ये मान लीजिए क्या है, इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, ये सॉल्यूशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई e टू द पावर p dx, ठीक ना। इससे क्या होगा, तो इससे हमको होगा क्या, तो थोड़ा सा देखिए इक्वेशन क्या है, dy बाई dx, dy बाई dx इंटू क्या हो गया, e टू द पावर p dx प्लस y, और इधर भी क्या होगा, e टू द पावर p dx इंटू p तो पहले से है, q इंटू e टू द पावर p dx होगा कि नहीं। इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई वाई डी एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू पी डी एक्स, सॉरी ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक ना, इक्वल टू क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड क्या कर देंगे आप, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड फिर से जब इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये y e p dx सही है इक्वल टू q और e टू द पावर p dx और प्लस एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसको और जो है थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये तो इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ, अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो फैक्टर है आपका e टू द पावर पी एक्स, क्या e टू द पावर यही लिए है ना पी डी एक्स, ये जो फैक्टर है जब दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है डिफरेंशियल कोफिशियंट बन जाता है एक सिंगल फंक्शन का, ठीक है, और इस सिंगल फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो है आपका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई, यहीं पर हम लिख देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। मतलब पी डी एक्स ई टू द पावर फोर इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब यदि आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यदि शॉर्ट में लिखते हैं आई एफ, शॉर्ट में क्या लिखते हैं आई एफ, तो ये आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई, वाई तो आपका सॉल्यूशन होगा ही वाई, और आई एफ इक्वल टू, ठीक ना, इधर q और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका क्या सॉल्यूशन। देखिए ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोलिएगा सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इक्वेशन से, ठीक है, क्वेश्चन से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन और उससे रिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक ना। क्वेश्चन है कि सॉल्व, ठीक ना, क्या है, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स और इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का क्या है,
कि x प्लस वन को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा अपना dy बाई डी एक्स, सॉल्यूशन में dy बाई डी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा y अपन x प्लस वन, सही है, इक्वल टू e टू द पावर 3x और x प्लस वन, ठीक है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ध्यान हो आपको तो इसी फॉर्मेट में क्या आ गया, ये लेबनीज इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, लेबनीज इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक ना, जहां पर कि p इक्वल टू क्या है y अपन x प्लस वन है या नहीं, और q इक्वल टू यहां पर क्या है, यहाँ पर e टू द पावर 3x और x प्लस वन है या नहीं। तो यहाँ पर p इक्वल टू y कहाँ से आएगा, ये तो x के फॉर्मेट में हटा देंगे ना, ठीक है, ये y तो इसका है, ये वन होगा, वन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, उस फॉर्मेट में सॉल्यूशन क्या निकाले थे, यही निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करना है तो पी डी एक्स और यहाँ पर माइनस डी एक्स बाई वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन, जैसा भी आप लिख लें, वन प्लस एक्स का क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, इस माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा कि नहीं, दैट मीन्स कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया आपका, समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई टू द पावर पी डी एक्स मतलब e टू द पावर लॉग ऑफ x प्लस वन टू द पावर माइनस वन। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, e यहाँ भी है, लॉग नेचुरल लॉग है, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स, सिंपल सा सॉल्यूशन निकल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना निकल करके आ गया, वन बाई वन प्लस एक्स। अब वन बाई इस वाले सॉल्यूशन में हम रख दें, ये जो हमारा इक्वेशन निकला था इस इक्वेशन में रखते हैं, क्या होगा देखिएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वन बाई वन प्लस एक्स, वन बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू e टू द पावर थ्री एक्स डी एक्स प्लस सी, सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, दैट मीन्स कि वन बाई थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी इंटू वन प्लस एक्स, दैट विल बी दिस सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, सबसे पहले समझ में आया कि लेबनीज इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ p मिल जाएगा, e टू द पावर p डी एक्स निकालेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये देख रहे हैं ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने आपको अभी बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p डी एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार आपका निकल गया, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस मेन इक्वेशन में ये फॉर्मूला में रख दीजिए, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, जो यहाँ पर आपको इतने सारे डिफिकल्ट दिख रहा था, ठीक है ना, ये आपको क्या हो जाएगा आसान फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था आपका लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन के तरह ही इसी में एक इक्वेशन आता है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी था शुरू में ही, बर्नौली इक्वेशन, लेबनीज के फॉर्मेट में आ गया, तो अब आप समझ गए बर्नौली के फॉर्मेट में आएगा तो कैसे आता है, बर्नौली का फॉर्मेट याद होगा आपको, ठीक है ना, आपको बताएं थोड़ा सा, बर्नौली इक्वेशन ठीक है। अब इसी इक्वेशन को जो अभी आप लिखे थे, कहाँ लिखे थे पहले हम देखें, यही है ना, यही इक्वेशन क्या था लेबनीज के फॉर्म में था, अब इसी को यदि हम कुछ ऐसा लिख दें या ऐसा लिख नहीं दें, ऐसा देगा dy by dx plus py equal to k
क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन, तो ये क्या हो गया, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज रिड्यूसिबल टू लेबनीज लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक तो आपका इक्वेशन हो गया, अब इसको बर्नौली इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स विच इज दिस इक्वेशन बेसिकली इज रिड्यूसिबल टू लेबनीज लीनियर इक्वेशन, अब दोस्तों लेबनीज लीनियर इक्वेशन में अभी तो हमने बताया था पूरा, ये यही तो था लेबनीज लीनियर इक्वेशन, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बताए थे ये, ठीक है ना। जब लेबनीज लीनियर इक्वेशन में ये सॉल्व हो ही जाता है तो सिर्फ हमको क्या करना है, लेबनीज लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे चेंज, तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड आप y टू दी पावर n से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय y टू दी पावर n, और y टू दी पावर n से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y टू दी पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस p, और y क्या हो जाएगा, पी वाई टू दी पावर वन माइनस एन इक्वल टू क्यू। अभी देखिए किस फॉर्मेट में आ गया, किस फॉर्मेट में आ गया आपका, लेबनीज लीनियर इक्वेशन में आ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो पुट क्या कर देंगे, वाई टू दी पावर वन माइनस एन को कर देंगे जेड, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये y टू दी पावर माइनस एन भी तो जाएगा, एक मिनट और, वन माइनस एन और y टू दी पावर माइनस एन माइनस वन जाएगा तो, और dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dz जेड बाई डी एक्स, यहाँ देखिए तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y टू दी पावर n वन माइनस एन इंटू डी जेड अपन डी एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई वन माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड प्लस सॉरी इक्वल टू क्यू। ये आपका देखिए इक्वेशन आ गया कि नहीं इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस एन इंटू जेड इक्वल टू क्यू वन माइनस एन। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, विच इज दी, इसको हम लिख सकते हैं विच इज लेबनीज लीनियर इक्वेशन इन जेड, ठीक है ना। नाउ इट कैन बी सॉल्व इजिली, अब कैसे इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देख लें। सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता है, बातों का क्या, तो आइए एक इसके ऊपर फिर से अब न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल किए थे ना, सिमिलर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है कि सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व है आपको करना है, क्या सॉल्व करना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई टू द पावर सिक्स, एक्स टू द पावर क्यू वाई टू द पावर सिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, थ्रो आउट आप डिवाइड कर दीजिए वाई टू द पावर सिक्स से, और ये एक्स भी है तो एक्स को भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक्स क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। डिवाइडिंग थ्रो आउट बाई एक्स वाई टू द पावर सिक्स, तो क्या हो जाएगा आपका वाई टू द पावर माइनस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई
ठीक है। अब यहाँ पर y और टू दी डिवाइडेड बाई x, y टू दी पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 अपन x इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। नाउ पुट y टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू z, यहाँ पर फिर अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 y माइनस 6 होगा कि नहीं, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 5 डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ठीक है ना, सॉरी 2 मान लीजिए, और ये जो है अब कहाँ रख रहे हैं हम, इसमें रख रहे हैं ये 1 में, ठीक है ना। यहाँ पर पुट 2 इन 1, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से वैल्यू जो है यहाँ पर रख दिए, ये आपका इक्वेशन निकल करके आ गया, देख लीजिए आ गया। अब ये इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 5 बाई एक्स इंटू जेड इक्वल टू माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और यही देखिए तो लेबनीज इक्वेशन आ गया कि नहीं, ये लेबनीज इक्वेशन आ गया। अब लेबनीज इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, लेबनीज इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू द पावर p dx, और यहाँ p क्या है, माइनस 5 बाई x है कि नहीं, यहाँ पर माइनस 5 बाई x है, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 5 बाई x और dx हो गया कि नहीं। यहाँ पर माइनस 5 मतलब e टू द पावर माइनस 5 और 1 बाई x से क्या हो जाता है, log x, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस 5 इधर जाएगा तो x टू द पावर 5 मतलब x टू द पावर माइनस 5 इसका आ गया सॉल्यूशन, सही है। अब सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये वाली माइनस 5 एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन कहाँ से निकाल रहे हैं हम, यहाँ से ये वाली, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्टेबल था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक ना, और उसको हमने यहाँ पर क्या किए, लेबनीज इक्वेशन के फॉर्मेट में ला करके ये वाला फार्मूला हमने रख दिया। ये वाला फार्मूला कहाँ से रखे हैं, ठीक ना, नहीं समझ में आए तो एक बार और जरूर देख लीजिए, यहाँ से रखे हैं, ठीक ना। पेज पर पढ़ाने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको रेफरेंस में हम दिखा पाते हैं तुरंत, ठीक है। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं अपने बुद्धिमत्ता से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स टू द पावर माइनस 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स टू द पावर माइनस 5 और ये माइनस 5 एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 डी एक्स इंटीग्रेटिंग प्लस सी। देखिए जेड का भी वैल्यू हम क्या रखें, वाई टू द पावर माइनस 5 रख दें, तो वाई टू द पावर माइनस 5 एक्स टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू ये एक्स टू द पावर 2 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा, माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5 एक्स टू द पावर माइनस 2, क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस 3 आएगा, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, और यही माइनस 2 क्या होगा, उठ करके नीचे आएगा प्लस सी। इसको आप सॉल्व कर दें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, वाई माइनस 5, इसको वाई इसको इधर लेकर के चले जाते हैं तो ये डिवाइडेड बाई में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 2 और ये नीचे जाएगा तो माइनस 5, माइनस 5 ऊपर जाएगा तो प्लस 5, तो एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा और ये वाई टू द पावर 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या निकल जाएगा, एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5, ठीक है, और इधर 5 बाई 2
प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वन। ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों एक चीज आपको समझ में आ गया, इसको शुरू से एक बार और हम थोड़ा सा रिपीट करें कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था कौन कौन सा, कि चार फॉर्मेट में, कि यदि वो सेपरेबल है तो सेपरेट कर देते हैं एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, तब सॉल्व करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन लेक्चर लास्ट लेक्चर में बताए थे, और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन देख रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन में आप देखें कि किस तरह से हमने सॉल्व किया, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट अगर ओनली इन दी फर्स्ट डिग्री, ठीक है, यही तो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो फॉर्मेट है, फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करके ये हमने बड़ा सुंदर सा एक फार्मूला निकाला था, ये आपका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला हुआ। और इससे जो है ई टू द पावर पी डी एक्स दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया था, ई टू द पावर पी डी एक्स मल्टीप्लाई किए तो ये इक्वेशन निकला था, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी बना करके आपको दिखा दिया था, ठीक ना। फिर बर्नौली इक्वेशन, ये तो क्या था आपका लेबनीज इक्वेशन, और इसी बर्नौली इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है, यदि बर्नौली इक्वेशन दिया हो या मतलब क्वाड्रेटिक दिया हो उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तरीका था हमारा। ये तरीका बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान नहीं आएंगे, ठीक है ना, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस तरह से आपको प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसी पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जाते जाते हमने जो है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करके आपको दिखाए थे। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमने कैसे सॉल्व किया आप देखें, और आप खुद से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम इतना क्वेश्चन करा देते हैं कि जितना क्वेश्चन करा दिए हैं इसी को यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो इट इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। तो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज कीजिए, और जो है इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड पेशेंस बोथ आर द रूट ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।